Hey guys, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu, and in the next 90 seconds, we are going to know the basic difference between liberals, conservatives, and radicals. जब French Revolution हुआ था, तो it was a major watershed event in world history. क्यों? क्योंकि उससे पहले इतने हजारों सालों तक एक टाइप की सरकार चलती थी, जो थी monarchy. उसके बाद French Revolution के बाद जो है एक change आया, and that is when people started talking about कि इस change के साथ हम किस टाइप की दुनिया establish कर सकते हैं. तो of course ये बात है कि अलग-अलग विचारधाराएं school of thought emerge होने लगी. पहले थी liberals की. Liberals wanted a nation that tolerated all religion, जिसमें सारे धर्मों का सम्मान हो. उन्होंने बोला कि किसी भी सरकार के पास absolute power नहीं होना चाहिए. Power should be in the hands of the citizens, in the hands of the people. तो वो बात करते थे एक elected parliamentary form of government की. अच्छा, ये बात याद रखने की है, liberals democrats नहीं थे. वो ये नहीं बोलते थे कि लोगों के हाथ, मतलब सारे लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए. नहीं, उनका मानना था कि सिर्फ वो लोग जो एजुकेटेड है, जो प्रॉपर्टीड है, उनके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, बट नॉट वुमेन. पीपल हु डोंट हैव प्रॉपर्टी शुड नॉट बी गिवन अ चांस टू गिव देयर वोट. फिर हम आते हैं रैडिकल्स पे. रैडिकल्स भी चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जिसके पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, जो पावर है वो लोगों पे हो. अच्छा, रैडिकल्स चाहते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो. वो चाहते थे वुमेन को, मेन को, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सबके हाथ में पावर होनी चाहिए. दे ऑल्सो बिलीव कि स्लेवरी को वर्ल्ड वाइड एबॉलिश कर देना चाहिए. मतलब दे वर अगेंस्ट द आइडिया कि कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर हो, पैसा हो. दे ऑल्सो सपोर्टेड द वुमेन सफरेजेट मूवमेंट. सफरेजेट मतलब राइट टू वोट का जो मूवमेंट था वुमेन का, उसको वो सपोर्ट करते थे. नेक्स्ट वी कम टू कंजर्वेटिव्स, मतलब रूढ़िवादी. सोशल चेंज धीरे धीरे लाना चाहिए, एकदम से नहीं, क्रांति से नहीं. राइट, दे बिलीव कि मोनार्की और नोबिलिटी, क्योंकि इतने सालों से चलती आ रही है, तो उसमें एक वैल्यू है, उसको चलने देना चाहिए. कंजर्वेटिव्स को लगता था कि सरकार का काम सरकार को पे छोड़ देना चाहिए, राजा पे छोड़ देना चाहिए, लोगों का पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कम इंटरफेरेंस होना चाहिए. माय स्टूडेंट्स, आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑल थ्री. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर.